नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं देश की राजनीति का क्या है हाल। उसी क्लासरूम में वोट डालने का मौका मिला जिसमें 41 साल पहले बैठा था प्रकाश राज। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे अभिनेता राजनेता प्रकाश राज ने गुरुवार को मतदान करने के लिए लाइन में खड़े हुए अपनी तस्वीर ट्वीट कर इसके साथ उन्होंने लिखा, मुझे अपने स्कूल और उसी क्लासरूम में वोट डालने का मौका मिला जहां मैं 41 साल पहले बैठा था। एक नया सफर, एक नया दृष्टिकोण, धन्य महसूस कर रहा हूं। मुकेश अंबानी ने किया दक्षिण मुंबई से कांग्रेस उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा का समर्थन। देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने दक्षिण मुंबई से दो बार सांसद रह चुके कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा का समर्थन करते हुए कहा है, मुझे लगता है कि 10 साल से दक्षिण मुंबई का प्रतिनिधित्व करने के कारण उन्हें यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक माहौल की समझ है। देवड़ा द्वारा जारी वीडियो में उदय कोटक भी है। योगी पर इसी मेहरबान प्रचार पर बैन के बावजूद मिला मीडिया कवरेज, मायावती। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है कि प्रचार पर पाबंदी के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर शहर मंदिरों में जाकर व दलित के घर बाहर का खाना खाने का ड्रामा कर चुनावी लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। मायावती के अनुसार इसका मीडिया प्रसारण भी हो रहा है और आयोग योगी। तो देश की राजनीति में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।